नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राव, देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। मैं जानता हूं कि बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लगभग 20-22 कई दिन, मतलब काफ़ी समय हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि मैं साउथ इंडिया के टूर पर गया था, ज़्यादा जगह नहीं गया मैं, लेकिन हाँ कुछ मेजर जगहों पर गया था मैं, जैसे कोयम्बटूर गया, चेन्नई गया, रामेश्वरम गया, राम सेतु के पास भी गया मैं, तो ऊटी गया, काफ़ी जगह में गया मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, साउथ के लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर शो करते हैं किसी के लिए भी, और उनकी हिंदी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, बात करने में काफ़ी अच्छे हैं वो लोग। एक चीज़ एक एक एक, एक मिथ टूटा मेरे एक्सपीरियंस में कि लोग कहते हैं कि साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस से थोड़ा बहुत यू नो डिस्क्रिमिनेटरी तरह से बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेवियर नहीं शो करते, कहे ना कि कोई नॉर्थ इंडियन आया है वगैरह वगैरह। तो उनका बिहेवियर देख के मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि बहुत ऑनेस्ट हैं, मेहनती हैं, अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आप जैसा बिहेवियर शो करते हैं वैसा ही सामने से मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये बात जो अफवाह फैलाई जाती है भारत की एकता को तोड़ने के लिए कि किसी और राज्य का व्यक्ति, किसी और स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट के व्यक्ति से किसी प्रकार की नफरत रखता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, और ये चीज़ शो करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर से कोयम्बटूर आऊँगा, फिर से जगहों को फिर से देखूँगा। और बाकी व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब वीडियोस आती रहेंगी रेगुलरली, क्योंकि माहौल ऐसा है कि घर में ही बंद के रहना है, तो वीडियोस आएंगी, और कोई नया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो अच्छी लगे पूरा देखने के बाद तो लाइक कर ले, पूरा देखना भूलिएगा मत, कई चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई चीज़ों का समअप है, जो चीज़ें छूट गई जिन पर बात करना जरूरी थी। ज़रूरी नहीं कि मैं सारे मुद्दों को इस वीडियो में रख पाऊँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ रीसेंट मुद्दों को, कुछ जो जो कोरोना से संबंधित, कुंभ से संबंधित, मरकज से संबंधित जो कुछ बातें चल रही हैं उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। तो आप बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। किसी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन सपोर्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे तरीके दिए हुए हैं। आप लोगों को पता है कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो चुकी है, कई डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी तीसरी भी आएगी और इससे बड़ी भी होगी। कई डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जैसे तेज़ी से आ रही है उसी तरीके से तेज़ी से चली भी जाएगी। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री से 3 महीना पीछे चल रहे हैं, तो जो वो फेस करके जा चुके हैं हमें फेस करना बाकी और हम भी फेस करके चले जाएंगे, ये मतलब है। ये माहौल कई सारे सवाल जनता पे और सरकार पे खड़े करता है। सरकार पे क्या सवाल खड़े करता है पहले उस पर बात करते हैं, जनता की तो बहुत सारी लापरवाहियां हैं वो सब जानते हैं, और सरकार पे सवाल मैं इसलिए भी उठाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी है कि मेरा झुकाव भाजपा की तरफ है, मेरा झुकाव मोदी की तरफ है, मेरा झुकाव करंट रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सवाल नंबर एक, जो कई हजारों करोड़ का फंड पीएम केयर फंड में जो जमा हुआ था वो इन्हीं सारी फैसिलिटीज़ के लिए हुआ था, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी क्राइसिस आए तो उसको टैकल करने के लिए इतना फंड रहे, उससे हम हॉस्पिटल्स बना सकें, बेड्स की तैयारी कर सकें। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वो वैन में दम तोड़ रहे हैं, वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की इतनी सारी कमी है कि अब प्लांट लगाया जा रहा, अब ये सब किया जा रहा है। जब बीच में जब नरमी थी, कोरोना शांत हो गया था, हम जीत रहे थे, तब मौका देखते क्यों नहीं किया गया? क्या आप लोगों को अंदेशा नहीं था कि दूसरी और तीसरी वेव भी आएगी? किस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था? इसका जवाब मुझे सरकार दे दे या सरकार का कोई नुमाइंदा दे दे कि उस पैसे का क्या हुआ, अगर हुआ तो बता दे और नहीं हुआ तो कब होगा और वो किस बात के लिए बचा के रखा गया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कुंभ में जितने लोग गए और कई हज़ार, मतलब 1-2 हज़ार से ज़्यादा लोग निकले, कोरोना से ग्रसित हो गए, जिसमें कई साधु थे, कुछ साधु संत मर भी गए, और जाहिर सी बात है लाखों की तादाद थी तो ट्रांसमिट तो बहुत तेज़ी से हुआ होगा, तभी और नंबर्स आने बाकी होंगे। क्या ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उस तादाद को कंट्रोल किया जाए कि इतनी बड़ी गैदरिंग हो ही नहीं सकती? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस नहीं जारी करना चाहिए था कि आप इतनी बड़ी गैदरिंग मत करिए, जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कुंभ में जाना? इस कुंभ मेले की भीड़ को दूसरे तरफ के लोग, चाहे वो लेफ्ट हो, माओइस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, इस्लामिस्ट हो, जितने भी लोग हैं, वो लोग इस भीड़ को एक एग्जांपल की तरह, एक टॉन्ट की तरह हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मरकज़ में जब हुआ तो तुम लोगों को बहुत वो लग रहा था, मरकज़ को बहुत उछाला गया, ये क्या है, इसके ऊपर क्या जवाब है?
जाहिर से बात है सबके पास कुछ ना कुछ अजीब अजीब जवाब होंगे, लेकिन आप किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस पर तो बात कर रहे हैं लेकिन इस पर नहीं कर रहे हैं। आप ये उछल उछल के दिखा रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, लेकिन इसी ड्यूरेशन में ये भी हो रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? इसको पूरा छुपा लिया गया है क्या? इसमें से कोरोना पीड़ित नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। किसान आंदोलन अभी भी जारी है, बिना मास्क के टिकैत बयान देता है, उसके पीछे तमाम लोग खड़े हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया, आजकल टीवी में दिख रहा है, उसके ऊपर कौन बात करेगा? क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि चाहे जैसा प्रोटेस्ट हो, जिन लोगों की ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं, 4 मिनट टिकैत को भी पड़ेंगे अगर तुमने खाली नहीं किया तो? लेकिन सरकार हर ऐसे मामलों में नरमी क्यों बरत रही है, चाहे कुंभ हो चाहे किसान आंदोलन हो? और ऐसे ही शाहीन बाग के साथ भी हुआ, सरकार ने नहीं हटवाया, अल्टीमेटली कोरोना ने हटाया। और टिकैत बार बार धमकी दे रहा है कि मैं शाहीन बाग वाला प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ कि कोरोना आते हट जाऊँगा। हम लोग रहेंगे, गाइडलाइन मान के रहेंगे, लेकिन रहेंगे ज़रूर। ये कैसी गाइडलाइन है जो लोगों को कोरोना से बचा ले जाएगी रोड पर बैठा के? अब वो लोग जो कंपेयर कर रहे हैं कुंभ को मरकज़ से, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि कुंभ में अगर कोई पीड़ित पाया जाएगा तो पूरा कोऑपरेट करेगा। वो लोगों को, वो उस इंटेंशन से कुंभ में नहीं गया है कि मैं कोरोना को फैलाऊं थूक थूक के। वो डॉक्टरों पे थूक नहीं रहा, वो लोगों के कपड़े नहीं फाड़ रहा, वो हॉस्पिटल से भाग नहीं रहा, वहाँ से कोई पीड़ित अगर पाया जा रहा तो इंटेंशन का फ़र्क है। तो कंपैरिजन का स्टैंडर्ड एक होना चाहिए कि हाँ, तुलना का एक स्टैंडर्ड है। सिर्फ भीड़ के अलावा और कोई स्टैंडर्ड नहीं कि हर जगह लोग इकट्ठा हो रहे थे, यहाँ भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा कोई मापदंड ऐसा नहीं है कि मरकज़ और कुंभ को एक साथ एक तराजू में तोला जा सके। अब बाकी रही बात जनता की, जनता पे तो मुझे हंसी आ रही है और गुस्सा भी इस बात के लिए आ रहा है कि जो डाटा बढ़ रहा है, डाटा सरकार कितना भी मैनिपुलेट कर लेगी अगर चाहे तो, कि हम ज़्यादा दिखा दें या कम दिखा दें, लेकिन जो लोग वाकई में अफेक्ट हो रहे हैं, जिनके द्वारा बाकी के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जिनकी जाने जा रही हैं, जिनको बेड्स नहीं मिल रहे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिन जो तड़प रहे हैं, वो तो जनता है, आम जनता है। मुझसे जो अग्री करे वो गवर्नमेंट ने बताया, और डिसअग्री करे तो भी गवर्नमेंट ने बताया, और मेरी बात को चाहें तो आप दूर तक फैला सकते हैं। आप रोड पे निकलते हैं, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकलते हैं, आप बिना मास्क के निकलते हैं, आप हाथ नहीं धोते, आप सैनिटाइजर यूज़ नहीं करते हैं, आप प्रिकॉशंस नहीं बरतते, आप लोगों के टच में रहते हैं, और फिर कोसते हैं सरकार को। सरकार जब इम्प्लीमेंट कराने पे आती है तो लॉकडाउन करते हैं जिससे पूरे देश का नुकसान होता है, पुलिस वाले चालान काटते हैं जिससे इंडिविजुअल्स का नुकसान होता है, और अगर वो करने में फेल होते हैं और आप सफल हो जाते हैं कहीं भी रोम करने में फ्रीली, तो कोरोना हो जाता है और आपका नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली मेजॉरिटी में नुकसान किसका है? जनता का। लोग मर रहे हैं और लोग भी समझने को तैयार नहीं। लॉकडाउन लगता है तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यही सेंसेस क्या तब काम नहीं करते जब रोज़ 2-2 लाख के ऊपर केसेज आ रहे हैं? क्या लॉकडाउन लगवाना ज़रूरी है? क्या आपके मन में इतने सेंसेस नहीं हैं? क्या जब तक सरकार सख्ती से ये टर्म ना प्रयोग करे कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, घर में बैठना कंपलसरी है, बाहर निकलेंगे डंडे पड़ेंगे, चालान कटेगा, तब तक आप घर में नहीं बैठ सकते? खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और लंबी हो सकती है, और बातें मैं शेयर कर सकता हूँ और सुझाव दे सकता हूँ और सवाल भी पूछ सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग अंत तक देख भी नहीं रहे होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि अपनी राय कमेंट में दीजिए, इस वीडियो को और आगे से आगे शेयर करिए, जितना दूर तक फैला सकते हैं, लोगों से सवाल पूछिए कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, यह स्थिति पैदा कैसे हुई? क्या कोरोना के नंबर्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि सरकारें चाहती हैं या वे बारी? नहीं, कोरोना के नंबर्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, लोग ग्रसित हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और आगे बीमार कर रहे हैं, वो चेन शुरू हो चुकी है। तो अगर किसी की गलती है तो आम जनता की गलती ज़्यादा है। सरकार इम्प्लीमेंट कराने पे आएगी तो सख्ती वो जिस पीक तक बरत सकती बरत देगी, लेकिन वो भी जानती है कि अगर वो करने पे आ गई तो नुकसान भी जनता का ही होगा। तो जनता खुद समझ जाए और कोऑपरेट करे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।